हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो क्लिनिक एट होम। इससे पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको इन्फेक्शस डिजीज के बारे में बताया था, यानी संक्रामक रोग के बारे में। आज भी हम एक संक्रामक रोग कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना बीमारी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आँख के सफ़ेद भाग के बाहरी परत और पलकों के पिछले भाग के बाहरी पलक पर यानी सतह पर, इसमें आँख गुलाबी या लाल दिखाई देता है। आँख में दर्द, जलन, खुरदुरापन और खुजली भी हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, तो इन 5 प्रकारों में पहला जो प्रकार है वह है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। जॉइंट पल्पेरिक कंजंक्टिवाइटिस ये दूसरा। तीसरा है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। चौथा है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। और पांचवा है नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस। उदाहरण के लिए बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक वायरस के कारण, जो सर्दी भी उसी वायरस के प्रभाव से होता है, को हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कह सकते हैं। इसमें चिपचिपे पदार्थ का रिसाव, पलकों पर पपड़ी जमना, फ्लू, ठंड लगना आदि अनेक तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये थे कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है और उसके होने का कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस। ड्राई रेड, बर्निंग, आई फीलिंग वेरी टायर्ड विथ पेन, इस तरह के अगर सिम्टम हो तो बेलाडोना 30 दो दो बूंद 3 बार रोज लें। बर्निंग एक्रिड लैक्रिमेशन, ओडमा अराउंड आई एंड पेन, इस तरह के अगर सिम्टम हो तो आर्सेनिक 30 दो दो बूंद 3 बार रोज लें। व्हाइट म्यूकस, सुपरफिशियल अल्सर और क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाए तो इस तरह के सिम्टम में आप कैलीम्यूर 30 दो दो बूंद 3 बार रोज लें, ये आपको इस रोग से निजात दिला देगा। लीड रेड स्वोलेन, प्रोफ्यूज बर्निंग, एक्रिड डिस्चार्ज आफ्टर एक्सपोजर टू ग्लेयर ऑफ फायर, इस तरह के सिम्टम हो तो मार्कसॉल 30 दिन भर में 3 बार दो दो बूंद की मात्रा में लें, ये भी आपको कंजंक्टिवाइटिस से निजात दिला देगा। रेड आइज और दोनों तरफ आँख के नीचे वाले भाग में काफ़ी सूजन हो तो, और वो लटके जैसे हो तो इस तरह के सिम्टम में आप एपिस 200 दो दो बूंद हर 3 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में लें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन कंजंक्टिवाइटिस के। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही
कोई दिक्कत और हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स।